बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव का आयोजन समिति द्वारा फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, खेलकूद, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रदान करने के लिए हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष संरक्षण एवं वरदहस्त तालियों के साथ इस क्षण को हम सभी एक बार पाल लिया गया है कि बहुत ज्यादा वो हमसे आगे हैं। तो मैं आपको ये आश्वस्त कर देता हूँ कि हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं जो सरकारी विद्यालयों में हैं, प्राथमिक विद्यालयों में हैं, उनसे कहीं ना कहीं बेहतर हैं। आपके चयन के बाद ही उनको चयन का मौका मिलता है। तो निश्चित तौर से आप अपने आप को कहीं कम ना आंकें। और अब तो हमारे मुख्यमंत्री इतने सहृदय हैं कि उन्होंने सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस बनाने की भी योजना बनाई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर शिक्षा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया। जनपद स्तर का यह एक बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ कि सारे हमारे 21 ब्लॉकों के बच्चे जो है यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्होंने अपने अपने स्थानीय स्तर पर एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है और आज वो पूरे जनपद स्तर का ये कार्यक्रम है और ये प्रतियोगिता 2 दिन तक चलने वाली है और सभी बच्चे जो है अपना एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे और गोरखपुर का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। खेल के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? खेल जहाँ तक है, खेल हमको केवल खेल ही नहीं होता है, उसमें एक अनुशासन होता है और अपने आप को निखारने का मौका मिलता है। और खेल में जब आप अलग अलग जगहों के बच्चों से मिलते हैं तो उनके प्रति कैसी जो है हमको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से उनसे उनकी कितनी प्रतिभा है, इन सब चीज़ों का एक सम्मिश्रण है और बच्चों का एक चतुर्मुखी, हर तरफ से बहुमुखी विकास होता है। इसलिए जो है ये इन खेलों का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा यही है। ये उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है, जिसमें ये बच्चे विद्यालय से संकुल स्तर पर और संकुल स्तर से विजयी होकर के ब्लॉक स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग किए और वहाँ से विजयी होकर के अब जनपद स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आज दिनांक से शुरू होकर के कल इसका समापन होना है। यहाँ से जो भी बच्चे विजयी होंगे विभिन्न प्रतियोगिताओं में, राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में, ये अपना प्रतिभाग करेंगे, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और उस प्रतिभा के प्रदर्शन के आधार पर ये बच्चे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे, उत्साहित भी होंगे। इसके लिए हर वर्ष इस तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें एथलेटिक्स, खेलकूद, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन